Hello everyone, welcome back, and in this lecture we'll be solving a practical question based on the NPV method, which is called as net present value method. So on the basis of net present value method, how to give suggestions to the company, kaun sa machine sabse best hai, wo seekhte hai is question mein. To dekhte hai ki NPV kaise calculate hota hai. Machine 1 cost rupees 2 lakhs payable immediately, and machine 2 cost rupees 40,000 and half payable immediately and half payable in 1 year's time. Theek hai, no issue in that. We have two machines information. So machine 1 ka inflow diya hua hai 40,000, 1,20,000, 80,60,40. Machine 2 ke liye first mein dash, fir 1,20,000, 1,20,000, 1,60,000, fir dash. The discounting factor is 6%. So discounting factor kitna hai yahan pe? 6% hai. Maine aapko ye calculate karne ka rule bataya tha. हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, काफी सिंपल है. हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 10 डिवाइडेड बाय 100, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज कितने है, 6% है. तो हम क्या करेंगे, 6 लेंगे. तो आपको कैसे करना है, 6 डिवाइडेड बाय 100, क्या करना है, 6 को 100 से डिवाइड करना है. कितना आंसर मिलेगा, दैट विल बी 0.06. इसमें प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.06. 1.06 अभी फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, और इक्वल टू का आंसर इक्वल टू दबाओगे साइन कैलकुलेटर पे तो आपको आंसर मिल जाएगा. जितने इयर्स है उतने इयर्स इक्वल टू दबाओ, यू विल गेट द डिजिट्स फॉर दैट. तो ये आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर और एनपीवी के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है. देखो कैसे मैंने किया है, दो मशीन्स हमारे कॉलम देख ले लेते हैं पहले. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. देखो मशीन 1 के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. तो मशीन 1 के लिए जो क्वेश्चन में डेटा दिया था वो मैंने लिख लिया 40,000, 1,20,000, 80,000, 60,000 एंड 40,000. ये सारा डेटा लिखने के बाद ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिख रहा है, दिस इज एज पर 6% डिस्काउंटिंग फैक्टर जो अभी मैंने कैलकुलेट किया. कैसे किया है, 1 डिवाइडेड बाय 1.06. तो आपको इक्वल टू करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर से इक्वल टू करोगे तो 890 आएगा, फिर से इक्वल टू करोगे तो 840 आएगा, देन अगेन इक्वल टू 792 आएगा, देन अगेन इक्वल टू 747 आएगा. करना क्या है, कैश इनफ्लोस को डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. एवरी कैश इनफ्लोस मल्टीप्लाइड बाय योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आपको मिलेगा ये वाला आंसर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यूज, 37,720. सिमिलरली 1,20,000 को ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो मिल जाएगा 1,06,800. 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.840 मिल जाएगा ये आंसर. ऐसे सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर जितने भी आपके प्रेजेंट वैल्यूज है इन सभी को ऐड करना है, तो वी विल गेट द आंसर एज 2,89,120. दैट इज वॉट, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेजेंट वैल्यूज. तो इसको हम क्या नाम देंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यूज. ये आपको मिला मशीन 1 के लिए. मशीन 1 के लिए जितने भी कैश इनफ्लोज क्वेश्चन में दिए थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, तो मल्टीप्लाई करके आंसर मिला प्रेजेंट वैल्यूज. सारे प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लिया तो वी गॉट टोटल प्रेजेंट वैल्यूज. नाउ सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू फॉर मशीन 2. तो मशीन 2 के भी 5 ईयर्स है, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर तो ऊपर का ही सेम कॉपी किया, फिर मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट में डैश है 0, फिर सेकेंड में आपको ये मल्टीप्लाई करना है, और जितने भी मल्टीप्लीकेशन आप करोगे उसके बाद ये सभी को ऐड कर देना है, एंड आफ्टर एडिंग ऑल दिस वी विल गेट द आंसर एज 3,24,320. दैट विल बी योर टोटल प्रेजेंट वैल्यूज. तो क्या रहेगा, ये आपका रहेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यूज. अब फॉर्मूला ध्यान से सुन लो, एनपीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. बहुत ही सिंपल है, क्या है फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो देखें तो ये मशीन 1 का यहाँ पे जो हमने टोटल किया है 2,89,120. ठीक है, 2,89,120. तो ये आपको मिल गया 2,39,120, और मशीन 1 का कॉस्ट कितना है, मशीन 1 का कॉस्ट है 2,00,000 रुपीज़. तो 2,89,120 में से हम 2,00,000 माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर एज 89,120. फिर मशीन 2 के लिए देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है हमारा 3,24,320,
और मशीन टू का कॉस्ट कितना है? अभी मशीन टू में प्रॉब्लम है, मशीन टू का कॉस्ट देखो कितना है, 2,40,000 है। तो आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे 2,40,000 क्यों नहीं लिखा है, तो देखो सिंपल रूल है, उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट में कहा है कि 2,40,000 में से हाफ इज पेएबल इमीडिएटली एंड रिमेनिंग हाफ इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर्स टाइम। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझना। देखो 2,40,000 का हाफ मतलब 1,20,000, तो 1,20,000 जो है वो इमीडिएटली पेमेंट होगा, मतलब 1,20,000 ही पेमेंट होगा, और रिमेनिंग जो 1,20,000 है वो अगले साल पेमेंट होगा। इसलिए इसको हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है? 1 साल के बाद बोला तो फर्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से 0.943 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर? 1,13,160। तो इन दोनों को आपको प्लस कर देना है तो यू विल गेट द आंसर 2,33,160। तो ये हम लेंगे मशीन टू के लिए। मशीन वन के लिए ऐसा क्यों नहीं था? बिकॉज मशीन वन जो है वो हमारा, उसमें डायरेक्ट पेमेंट 2 लाख रुपीज का एक साथ हो रहा है, बट मशीन टू में क्या हो रहा है कि आधा पेमेंट अभी हो रहा है और रिमेनिंग हाफ पेमेंट अगले साल हो रहा है। इसलिए 1 साल के पीरियड के लिए हमने 1 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके कैलकुलेट किया एंड द वैल्यू इज 3,24,320 माइनस 2,33,160, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो वी गॉट द आंसर 1,01,160। अभी आप दोनों में से कंपेयर करो कौन सा मशीन सबसे अच्छा एनपीवी दे रहा है। एनपीवी का रूल क्या है? जितना एनपीवी हायर रहेगा, हायर इज बेटर, ठीक है, जितना एनपीवी हायर रहेगा वो बेटर रहेगा। तो इनमें से कौन सा हायर है? तो आप कहेंगे सेकंड वाला मशीन हायर है, तो कंपनी ने कौन सा मशीन सिलेक्ट करना चाहिए? कंपनी ने सेकंड मशीन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज उसका एनपीवी हायर है। तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? सिंस द एनपीवी ऑफ मशीन टू इज हायर एज कंपेयर टू मशीन ए, मशीन टू शुड बी सिलेक्टेड, या मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे वन बी लिख दिया, तो 1 और 2 ही रहेंगे हम लोग। तो सेकेंड मशीन कंपनी के लिए सूटेबल हो जाएगा बिकॉज उसका एनपीवी हायर रहेगा। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।